हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। सरला नाम की एक महिला थी। रोज वह और उसके पति सुबह ही काम पर निकल जाते थे। दिन भर पति ऑफिस में अपना टारगेट पूरा करने की डेडलाइन से जूझते हुए साथियों की होड़ का सामना करता था। बॉस से कभी प्रशंसा तो मिली नहीं और तीखी कटीली आलोचना चुपचाप सहता रहता था। पत्नी सरला भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वह अपने ऑफिस में दिन भर परेशान रहती थी। ऐसे ही परेशानियों से जूझ कर सरला लौटती है, खाना बनाती है। शाम को घर में प्रवेश करते ही बच्चों को वे दोनों नाकारा होने के लिए डांटते थे। पति और बच्चों की अलग अलग फरमाइशों की पूरी करते करते बदहवास और चिड़चिड़ी हो जाती है। घर और बाहर के सारे काम उसी की जिम्मेदारी हैं। थक हार कर वह अपने जीवन से निराश होने लगती है। उधर पति दिन पर दिन खूंखार होता जा रहा है। बच्चे विद्रोही हो चले हैं। एक दिन सरला के घर का नल खराब हो जाता है। उसने प्लम्बर को नल ठीक करने के लिए बुलाया। प्लम्बर ने आने में देर कर दी। पूछने पर बताया कि साइकिल में पंचर के कारण देर हो गई। घर से लाया खाना मिट्टी में गिर गया। ड्रिल मशीन खराब हो गई। जेब से पर्स गिर गया। इन सब का बोझ लिए वह नल ठीक करता रहा। काम पूरा होने पर महिला को दया आ गई और वह उसे गाड़ी में छोड़ने चली गई। प्लम्बर ने उसे बहुत आदर से चाय पीने का आग्रह किया। प्लम्बर के घर के बाहर एक पेड़ था। प्लम्बर ने पास जाकर उसके पत्तों को सहलाया, चूमा और अपना थैला उस पर टांग दिया। घर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा खिल उठा। बच्चों को प्यार किया, मुस्कुराती पत्नी को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और चाय बनाने के लिए कहा। सरला ये सब देखकर हैरान थी। बाहर आकर पूछने पर प्लम्बर ने बताया, यह मेरा परेशानियां दूर करने वाला पेड़ है। मैं सारी समस्याओं का बोझ रात भर के लिए इस पर टांग देता हूँ और घर में कदम रखने से पहले मुक्त हो जाता हूँ। चिंताओं को अंदर नहीं ले जाता। सुबह जब थैला उतारता हूँ तो वह पिछले दिन से कहीं हल्का होता है। काम पर कई परेशानियां आती हैं, पर एक बात पक्की है, मेरी पत्नी और बच्चे उनसे अलग ही रहें, यह मेरी कोशिश रहती है। इसीलिए इन समस्याओं को बाहर छोड़ आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरी मुश्किलें आसान कर दें। मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पत्नी मुझे बहुत स्नेह देती है, तो भला मैं उन्हें परेशानियों में क्यों रखूं? उसने राहत पाने के लिए कितना बड़ा दर्शन खोज निकाला था। यह घर घर की हकीकत है। गृहस्थी का घर एक तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इसमें सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, हमारी समस्याएं भी नहीं। प्लम्बर का वह समाधान वृक्ष एक प्रतीक है। क्यों ना हम सब भी एक एक वृक्ष ढूंढ लें, ताकि घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी सारी चिंताएं बाहर ही टांग आएं। दोस्तों, ये प्लम्बर की कहानी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए आपके साथ शेयर की। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।